नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी का हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, प्रायोगिक कार्य है विज्ञान में ध्वनि परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। ये इस तरह से आपको प्रैक्टिकल कहीं भी YouTube या अन्य स्रोतों पर दिखाई नहीं देगा, कृपया इसे समझिएगा। उद्देश्य ध्वनि परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं और करके भी देख सकते हैं। तो ध्वनि परावर्तन के नियमों का सत्यापन करने में सबसे पहले हमें जो है क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, तो 2 70 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले PVC के बेलनाकार पाइप लेंगे। इस तरीके से ये 2 पाइप लेंगे और 70 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले ले लीजिए। अब PVC के बेलनाकार पाइप मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, आप कटवा लीजिए। 2 चार्ट पेपर ले लीजिए जिसमें आप 50x70 सेंटीमीटर का ले लीजिए ताकि ये 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर मैच कर जाए। स्टॉप क्लॉक लेंगे, 2 लकड़ी के पटिया ले लेंगे, एक पटिया इस तरीके से लगाना है, एक पटिया इस तरीके से लगाना है, 2 पटिया ले लीजिए, 1 चांदा और 1 स्केल। अब इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि जो ध्वनि के परावर्तन के नियमों का हमें सत्यापन करना है, तो परावर्तन के नियम लिख दीजिए सिद्धांत में, फिर उनका हम सत्यापन करेंगे कि जो हमारी परावर्तक सतह है, देखिए हार्ड प्लाईवुड या दीवार ही हमारी परावर्तक सतह बनी हुई है, तो इस पर जो ये अभिलंब खींचा है, मतलब एक लकड़ी का पटिया हम यहाँ अभिलंब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा, ये देखिए इस PVC के पाइप से ध्वनि का आपतन करेंगे तो ये ध्वनि के आपतन होने की दिशा के बीच का जो कोण है, देखिए यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है, और परावर्तन होने की दिशा के बीच का कोण देखिए वो भी यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये सिद्धांत है, इसी को हमें प्रूव करना है। और साथ ही जो ध्वनि के आपतन होने की दिशा है, परावर्तन होने की दिशा है, और ये जो अभिलंब की दिशा है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा नामांकित चित्र हो गया, ये हमारा सिद्धांत, उद्देश्य और आवश्यक उपकरण हो गया। अब हम जो है इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। तो चलिए जो प्रयोग विधि है उसको देखते हैं। सबसे पहले कि दोनों चार्ट पेपर को बेलनाकार फोल्ड करके अलग अलग 2 बेलनाकार PVC के पाइप में रख देंगे। हमने बिल्कुल उनकी लेंथ एक जैसी ली है, तो हम क्या करेंगे, 2 चार्ट पेपर लेके उनको फोल्ड कर देंगे और दोनों पाइप के अंदर रख देंगे। अब एक लकड़ी के पट्टियों को इस तरीके से लगा देंगे, एक लकड़ी के पट्टियों को इस तरीके से लगा देंगे, और दोनों जो हमारे तो एक आपका जो है वो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पट्टी की जगह दीवार यूज़ कर लें, या इस तरीके से एक पट्टिया लगा दें और दूसरा पट्टिया इस तरीके से अभिलंब रूप में लगा दें। ठीक है, अब इस अभिलंब रूप में लगाए हुए पट्टिया से कुछ एंगल पर जो है एक पाइप को लगा दें और कुछ एंगल पर हम दूसरे पाइप को इस तरीके से लगा देते हैं। एक पाइप के पास क्या करेंगे, स्टॉप क्लॉक रखेंगे और दूसरे पाइप से हमारा कान सटाकर रखेंगे। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस जो हमारी स्टॉप क्लॉक है या जो हमारी घड़ी है उसको हम ऑन कर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो जो इसकी जो ध्वनि है, ये ध्वनि जो है यहाँ सुनाई देने लगेगी। तो हम क्या करेंगे कि इस पाइप को इतना समायोजित करेंगे कि ये ध्वनि हमको बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाए। जब ये बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाए तो एक चांदे की मदद से हम इस आपतन कोण और परावर्तन कोण का मापन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस पाइप को इधर उधर समायोजित करेंगे और उसके बाद इसको समायोजित करके फिर से ध्वनि को स्पष्ट सुनने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अलग अलग आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे। इस प्रयोग में आप स्टॉप क्लॉक अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल है आप उसको वाइब्रेशन मोड पर रखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और लकड़ी का ये जो पटिया लगाया है इसको इसकी बजाय आप टेबल को सीधे दीवार से सटाकर रख दीजिएगा, तो आप टेबल को सीधे दीवार से सटाकर भी इसको इस प्रयोग को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कर लेने पर जो हमारे नतीजे आए वो क्या है, अलग अलग आपतन कोण के लिए जो परावर्तन कोण प्राप्त हुए, हमने देखा कि 30 डिग्री का आपतन कोण तो परावर्तन कोण 30 डिग्री, 45 का आपतन परावर्तन कोण 45, 60 का आपतन परावर्तन कोण 60, और कम से कम आप 3 या 4 रीडिंग अवश्य लीजिएगा। तो इसमें हमारा परिणाम प्राप्त होगा कि जो ध्वनि के परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और साथ ही ये जो है परावर्तक सतह पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो ये अभिलंब जो होता है वो ध्वनि के आपतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यह हमारा परिणाम प्राप्त हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ ध्वनि को सुनते हैं, ये प्रेक्षक जो अपने कान से एक कान को सटाकर पाइप से ध्वनि को सुनता है, तो दूसरे कान पर उसको उंगली लगा लेना चाहिए ताकि ये जो अलार्म घड़ी या जो भी आप यूज कर रहे हैं, स्टॉप क्लॉक यूज कर रहे हैं या वो वाइब्रेशन मोड पर रखा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसकी सीधी ध्वनि यहां सुनाई नहीं देगी। साथ ही पाइपों की लंबाई भी पर्याप्त रखना चाहिए, पाइप मतलब वही चार्ट पेपर की जो लेंथ है, पाइप की लेंथ है, उसको हमें पर्याप्त रखना चाहिए।